निचली बस्तियों में जलभराव होने पर अधिकारियों ने होमगार्ड कमांडेंट को फोन लगाया, फिर भी उन्होंने रेस्क्यू टीम नहीं भेजी। कमिश्नर ने होमगार्ड कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया। उज्जैन संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने होमगार्ड कमांडेंट युवराज सिंह चौहान को निलंबित कर दिया। शहर में आई जलभराव की आपदा के समय निचली बस्तियों में पानी भरने के दौरान कमांडेंट उपस्थित नहीं हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन भी अटेंड नहीं किए। शांतम आश्रम, डिवाइन वेली, साईधाम, तीन बस्ती, बालाजी एवेन्यू, ढांचा भवन, जवाहर नगर, साकेत नगर, नागझिरी क्षेत्र, शक्ति नगर, ज्योति नगर, लक्ष्मी नगर, वसंत विहार, नागेश्वर धाम, महेश नगर, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, लाल मस्जिद आदि क्षेत्रों में जलभराव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। 22 अगस्त की रात होमगार्ड के जिला सेनानी को बार बार बुलाने पर ना तो वो पहुंचे, ना ही उनके द्वारा कोई दल भेजा गया। उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। कलेक्टर के निर्देश पर उनके घर पर ट्रैफिक पुलिस का दल भी गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इस वजह से आपदा प्रबंधन के काम पूरी तरीके से प्रभावित हुए। संभागायुक्त ने कलेक्टर के प्रतिवेदन पर होमगार्ड कमांडेंट युवराज सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। देखिए, एक दिन परसों की जो बारिश थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती लेकर आई थी। कई सारी निचली बस्तियों में पानी भर गया था। हमारी जो होमगार्ड की टीमें थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो कमांडेंट होमगार्ड थे उनके द्वारा बहुत लापरवाही बरती गई। उनके द्वारा मौके पे नहीं पहुंचा गया। जब कमिश्नर नगर निगम और दूसरे लोगों ने उनको फोन लगाया तो उनको फोन पे रिस्पांस भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो आपदा प्रबंधन है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। ऐसे क्रूशल समय में अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो निश्चित रूप से बहुत कड़ी कार्रवाई उस पर करी जाएगी, और वही करते हुए मेरी तरफ से जो प्रतिवेदन गया उस पर कमिश्नर साहब के द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आगे भी अगर हम लोग बात करें तो हमारी प्रिपेयर्डनेस और ज्यादा अच्छी हो चुकी है। पहले हमारे पास 2 टीमें थी, अब हमने 3 टीमें अपनी बाढ़ के रिस्पांस के लिए कर दी हैं। समस्त निचली बस्तियों के संबंध में जो जो भी वैकल्पिक स्थान हो सकते हैं उनकी हमने पहचान भी कर ली है, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।